सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 एस फोन के अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अपने फोन के अंदर दो विंडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसका अगर हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग की बात करें तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स इसके अंदर नहीं आती। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एप्स का यूज करके ईजिली आप उस सेटिंग का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर। आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है मल्टी विंडो। आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन आ जाएंगी, लेकिन ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। हालांकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डाउनलोडिंग का, आप वहां से भी इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप इसको ओपन करेंगे, यूज इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। एक बार में इनेबल बटन दिया गया है, इनेबल पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास डिस्प्ले ओवर अदर एप्स का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर एक परमिशन देनी होगी। इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, मल्टी विंडो प्रो आएगा, इसको ऑन करेंगे। तो इसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन को टोटल परमिशन को आप अलाउ कर देंगे। इस तरीके से एक आपको एरो मिल जाएगी यहाँ पर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। एक बार इस एरो पे आप प्रेस करेंगे हल्का सा, इसके बाद थोड़ा सा बाहर करेंगे इसको प्रेस करके। और गाइस ध्यान देना, अगर ये इंस्टेंट काम नहीं करता है तो आपको वेट कर लेना है ऑलमोस्ट 5 या 10 सेकंड का। ये प्रॉपर रन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसको आप वहाँ पर जब करेंगे इस तरीके से साइड में, अभी देख सकते हो हमारे फ़ोन के अंदर ये रन नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको थोड़ा देर इसको टाइम देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली एप्लीकेशन से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर आपको सेम मिलेगा ऑलमोस्ट सब में। और कुछ एप्लीकेशन होती हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऐप्स मिलती हैं स्पीड करने के लिए, इसके अंदर आप एक बार ट्राई करना। अगर आपको ये पसंद आता है तो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं कि हाँ, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, जब तक ये ऑप्शन यहाँ से बाहर नहीं आ रहा, तो हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। गाइज यहाँ पर हमने 5 to 10 सेकंड समथिंग वेट कर लिया है। अब यहाँ इस आयरो को हम प्रेस करके हल्का सा पुश करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर प्लस का एक साइन है, इसको हम पहले प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, टोटल एप्लीकेशन आ जाएंगी। जिस ऐप के साथ स्पीड करना चाहते हो आप इस तरह से चेक मार करेंगे उसको, इसके बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर यूट्यूब के साथ आप यहाँ पर कोई ऐप यूज़ कर सकते हो। कौन सी एप्लीकेशन होगी जो यूट्यूब के साथ स्पीड कर सकती हैं, उसके लिए एक और बटन से है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे। अब इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस पहले से एडेड है, जैसे कि ऑडियो प्लेयर है, यहाँ पर वीडियो प्लेयर है, ब्राउजिंग कर सकते हो, नोट लिख सकते हो, कैलकुलेटर है, फाइल मैनेजर, गैलरी और कैमरा जैसे चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो एज अ स्प्लिट स्क्रीन। अब यहाँ पर मैं गैलरी को अपने एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक विंडो क्रिएट होगी, देख सकते हैं। अब यहाँ पर कट कर देंगे अगर तब भी ये विंडो क्रिएट रहेगी। यहाँ पर फाइल मैनेजर का विंडो बनाना चाहे तो फाइल मैनेजर का बना सकते हो, देखो नीचे ऊपर यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐप यूज़ करना चाहते हैं इसके साथ, जैसे कि मुझे स्प्लिट करना है क्रोम ब्राउजर के साथ, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर 3 विंडो आ चुकी है, हम इसको भी रन कर सकते हैं, इसको भी रन कर सकते हैं, और ये हमारा क्रोम ब्राउजर जो है इसको भी हम यहाँ से ऊपर से रन कर सकते हैं। अब आपको अगर यहाँ पर फाइल मैनेजर जैसे चीज़ें, गैलरी, कैमरा वगैरह यूज़ करना है तो आप यहाँ पर स्पीड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स नहीं है तो इसलिए उतना एडवांस नहीं है। लेकिन अगर आपको पसंद आता है इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर स्पीड स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस समझे होंगे यूज़ कैसे करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।